फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टूवर्ड सक्सेस आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास सेकेंड मॉक टेस्ट लेकर के एस एस सी एम टी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के ये सारे ही क्वेश्चन चुनिंदा लिए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे और एस एस सी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उन सब एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें साथ ही इसका फ्री पी डी एफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मॉक फर्स्ट का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है उससे जा के आप वहां देख सकते हैं चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज द वर्ल्ड्स कल्चरल कैपिटल इन इंडिया भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है तो आपका टाइमर शुरू होता है अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर एक कोलकाता इज द वर्ल्ड्स कल्चरल कैपिटल इन इंडिया ठीक है, है in, तो कोलकाता है आंसर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम आर लोकेटेड इन तो विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है तो इसका आंसर देने का टाइमर शुरू होता है अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिजर्व है पेट्रोलियम का ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हु डिस्कवर्ड द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स की खोज किसने किरी थी तो आपका टाइमर शुरू होता है अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री फोबस लेवेने फोबस लेवेने ने डिस्कवर किया था मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इसको ध्यान से जरूर पढ़ें क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था आपका टाइमर शुरू होता है अब करेक्ट <laughs> आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस एच एफ जे मानिक शाह ठीक है तो मानिक शाह जी फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैकमोहन इज द बॉर्डर बिटवीन मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा है आपका टाइमर शुरू होता है अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहते हैं सीमा को क्या कहते हैं मैकमोहन ओके आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे कि बॉर्डर्स पूछ लिए जाएंगे हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाएंगे वन लाइन क्वेश्चन बनेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ इसी को पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे ये सारे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टू वर्ड सक्सेस का ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी लेके आते रहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर आर प्राकृतिक में विद्युत चुंबक ये हैं तो क्या है ये नेचर में आपका डायमस शुरू होता है अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स ठीक है तो ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है वेयर इन इंडिया इज द गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है भारत में आपका टाइम शुरू होता है अब करेक्ट <tip> आंसर हो जाएगा तेलंगाना तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड है जो कि इंडिया में है ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इसी तरह से आपके एग्जाम में फ्रेम होंगे क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपका टाइमर शुरू होता है अब करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके प्लानिंग कमीशन के यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में बात करेंगे ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर मैं एक टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे कराकटम इज एन एंशियंट फोक डांस ऑफ कराकटम डैश का एक प्राचीन लोक नृत्य है तो आपका टाइमर शुरू होता है अब करेक्ट डांसर हो जाएगा तमिलनाडु तमिलनाडु का करकट्टम एक एंशियंट फोक डांस है ठीक है प्राचीन लोक नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पे चलेंगे द रेलवे हेरिटेज सेंटर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट रेलवे विरासत केंद्र संग्रहालय किस राज्य में स्थित है तो इसका टाइमर शुरू होता है अब करेक्ट <पीण> आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका भी तो तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है ये म्यूजियम क्या नाम है इसका रेलवे हेरिटेज सेंटर म्यूजियम थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टुवर्ड सक्सेस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूले टुअर्ड सक्सेस का साथ ही इसका फ्री पी डी एफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ थैंक यू